नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर की खबर के साथ, जहां महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर यह खबर है कि गृह मंत्रालय ने वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जिस मोबाइल फोन से यह पूरा वीडियो शूट हुआ था उसे बरामद कर लिया गया है, साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मणिपुर वायरल वीडियो केस का ट्रायल राज्य से बाहर होगा। इधर केंद्र सरकार के मुताबिक मणिपुर में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, 18 जुलाई के बाद से किसी की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी संगठनों के संपर्क में है, हालात सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत की जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये सारी जानकारी दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि ट्रायल की प्रक्रिया को 6 महीने में खत्म करने का निर्देश दिया जाए। वहीं इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, पिछले गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश खुद काफी चिंतित थे। उन्होंने केंद्र और मणिपुर सरकार से, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो आप कार्रवाई करें नहीं तो हम करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर के वायरल वीडियो केस में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद मणिपुर की एन बेरेन सरकार अगस्त महीने के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में, बताया जा रहा है, विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र में मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कल पत्रकारों को बताया कि सरकार जल्द ही विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय करेगी। The last part of second week or in the early part of the third week of August. This is what has been decided. Was there a cabinet meeting, sir? The decision has been taken. The cabinet, we have taken a decision. The paperwork is already, the decision has been made that we will have a sitting during this time, the second and third week, that is. और मणिपुर के ताजा हालात पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी फोन लाइन पर हैं। रतनदीप, मणिपुर को लेकर संसद में तो चर्चा नहीं हो पा रही, आप बताएं विधानसभा के सत्र को लेकर क्या चर्चाएं गर्म है, कब तक बुलाया जा सकता है और कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से क्या हो रही है मैतेई कुकी और बाकी समुदायों में एक विश्वास पैदा करने के लिए? लोग किस तरह से देख रहे हैं राज्य सरकार को? आप देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हर दिन बैठक, जो ऑनलाइन बैठक होती है एमएचए, हर दिन एमएचए जो सिचुएशन है उसके ऊपर नजर रखती है। अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है कि जो राज्य सरकार या फिर जो राज्य सरकार में जो लीडिंग पार्टी है बीजेपी, इसने तय किया है कि वो स्पीकर को लिखेंगे कि एक सत्र बुलाया जाए असेंबली का, और कल शाम को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके जो रेगुलर हर शाम को वो, हर सुबह वो एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं, हर शाम को एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं, तो शाम के रिव्यू मीटिंग में उनके कैबिनेट के और भी कुछ सदस्य थे और वहां पे वो फैसला उन्होंने किया है कि वो स्पीकर को लिखेंगे कि एक सत्र बुलाया जाए। इसको स्पेशल सेशन, विशेष सेशन कहा जाएगा कि नहीं, ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, मगर और कितने दिनों का होगा उसकी भी जो डिसीजन वो स्पीकर ही लेंगे, मगर ज्यादा दिनों का सेशन नहीं होगा ये। और राज्य के जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ये दावा किया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उन्होंने उनके जो डेलीगेशन है वो गवर्नर से भी मिले थे, और बीजेपी, राज्य बीजेपी और उनके जो एलाइज हैं वो भी अब ये चाहते हैं कि एक सेशन बुलाया जाए। मगर देखने लायक बात ये रहेगी कि राज्य में जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके जो विधायक हैं, इनमें से 10 हैं कुकी ट्राइब से, और ये 10 विधायक ने इसके पहले मांग की थी कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए कुकी लोगों के लिए, और वो मणिपुर की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। तो जी, अब जब विधानसभा बुलाया जाएगा, क्या ये 10 कुकी विधायक विधानसभा में आएंगे, वो अटेंड करेंगे? अगर नहीं, वो लोग नहीं अटेंड करते तो उनकी जो पार्टीज हैं वो क्या उनके विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इन 10 में 7 बीजेपी से हैं,
तो ये सब देखने लायक बात रहेगी। विधानसभा में माहौल बहुत गर्म भी हो सकता है, मगर जो कोशिशें अब है, कोशिशें लगातार चल रही है। यार रतनदीप, आप माहौल का जिक्र कर रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि दो दिन बताया जा रहा है 29 और 30, कल और परसों जो है जो गठबंधन है इंडिया, उसके सांसद भी वहां का दौरा कर सकते हैं मणिपुर, उसको लेकर क्या तैयारी या कोई जानकारी? देखिए, दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरे को लीड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और तृणमूल की डेलीगेशन इसके पहले आई हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, जो 2024 के पहले जो पॉलिटिकल एक ऑपोजिशन का एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगा सरकार के विरुद्ध, उसके लिए भी, क्योंकि ये जो INDIA गठबंधन जो ऑपोजिशन का बना है, ये बनने कुछ मीटिंग्स तो हुए, फिर इन्होंने गठबंधन बनाया, मगर ये पहला गठबंधन का फील्ड विजिट होगा कहीं पे, और ऐसे जगह पे फील्ड विजिट हो रहा है जहां पे की माहौल बहुत ही नाजुक है। तो एक तरह से इस गठबंधन के लिए भी एक 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 चुनौती रहेगी कि वो किस तरह से जाएंगे मणिपुर में, और किस वहां पे क्या वो पॉलिटिकल बयानबाजी करेंगे, या फिर जैसे हमने राहुल गांधी को देखा कि राहुल गांधी ने पॉलिटिकल बयानबाजी मणिपुर में नहीं की, मगर वो लोगों से मिले, क्या अप्रोच रहेगा, वो देखने लायक बात रहेगी। और जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे थे तो उनके कॉन्वॉय को रोका भी गया था पहले, तो क्या इन लोगों को, ये जो गठबंधन के MLA MPs आएंगे, ये भी उनको किस तरह से मिलने दिया जाएगा, ये देखने लायक बात रहेगी। और कल मणिपुर के राजधानी इम्फाल में एक सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की एक बहुत बड़ी रैली है, तो वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इन सबके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। मगर ये जो आने वाले दो दिन हैं, या फिर अगले महीने के जो पहले 10 दिन हैं, वो मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरह से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, और संसद के अंदर, संसद के बाहर, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, इस ये जो परिस्थिति है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर इशू है, एक तरफ पॉलिटिकल इशू है, दोनों चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये देखने लायक बात रहेगी किस तरह से हैंडल किया जाता है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि कल परसों का दिन, क्योंकि यहाँ विपक्षी पार्टी के जो सांसद है वो पहुंचेंगे, मणिपुर का दौरा करेंगे, और जो नया पूरा गठबंधन बना है INDIA जिसे इंडिया कह रहे हैं, वो पहला ऐसा मौका है जब एक सेंसिटिव इलाके में सांसद जाएंगे, क्या कुछ होगा, और साथ में आने वाले वक्त में विधानसभा का जो सत्र होगा, एन बीरेन सिंह उसको जो बुलाएंगे, उसमें सदन के जो विधानसभा के भीतर और बाहर क्या परिस्थितियां होंगी, ये तमाम जानकारी दी हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और वहीं मॉनसून सत्र के छठे दिन कल हमने देखा कि संसद कल भी उसका कामकाज ठीक से नहीं हो पाया। मणिपुर का मुद्दा जो है उस पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को संसद में सवालों का जवाब देने की वो मांग कर रहा है कि आए और यहां पर प्रधानमंत्री जवाब दे। आज भी सदन में गतिरोध जारी रहने की आशंका है। इस मुद्दे पर कल विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA इंडिया में शामिल सभी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों का एक दल 29 और 30 जुलाई कल और परसों मणिपुर का दौरा करने वाला है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार अपने विधायी कामों को निपटाने में जुटी रही। जहां राज्यसभा में सिनेमाटोग्राफी संशोधन बिल पास हुआ, वहीं लोकसभा में जन विश्वास बिल समेत दो बिल पास कराए गए। विपक्ष ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो ऐसे में विधायी कार्य कैसे कराया जा सकता है। इस पर स्पीकर ने कहा कि नियम 198 विधायी कार्य को प्रतिबंधित नहीं करता। संसद के बाहर और संसद के अंदर भी लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी रहा। गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे। उन्होंने वेल में आके नारे भी लगाए। मणिपुर पर चर्चा के अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराए जाने की मांग की। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई में प्रधानमंत्री को शामिल होकर एक वक्तव्य देना चाहिए, ताकि एक संदेश पूरे देश को जाए कि मणिपुर की घटना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, गंभीर है। सरकार नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग मजबूर होकर नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनके कपड़े ही काले नहीं है, उनकी नीयत भी काली है, उनका चेहरा भी काला है,
वो किसी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं, आपको विश्वास हो ना हो, देश की जनता को विश्वास। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाते रहे। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। जिनके मन में काला है, जिनके कान में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला ज्ञान छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। विपक्ष अब अपनी राजनीतिक पहल को सीधे ग्राउंड जीरो तक ले जा रहा है। 19 और 30 अगस्त को विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। हाउस चलते का टाइम ही पूरा इंडिया की तरफ से एक हर एक पार्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा, ताकि सेंटर पर, ट्रेजरी बेंच पर, गवर्नमेंट पर, मोदी जी पर कुछ असर पड़े, कुछ प्रेशर डाला जाए, ताकि मणिपुर में पीस एंड नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए। साफ है, मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, तभी सदन में शायद सार्थक चर्चा संभव हो पाए। सरकार मणिपुर से पीछा छुड़ाना चाहती है तो विपक्ष मणिपुर पर उसे घेरे रखना चाहता है। जाहिर है 2024 से पहले ये विपक्ष के लिए अपनी एकता को परखने का मौका भी है और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अविश्वसनीय बनाने की कोशिश भी। संसद भवन से उमा शंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों की और यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर वो आई है लोकसभा में। और यहाँ पर जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम पार्टियों से बातचीत करके, चर्चा करके वो तय करेंगे तारीख और समय, इस पर जल्द ही चर्चा माना जा रहा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली बिल के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। At this point of time, when there is a crisis in Manipur, on which the opposition parties are moving the no confidence motion against the government, and YSR Congress party feels that we should support the government at this critical juncture because Manipur has got the neighboring countries, and when neighboring countries are giving trouble to India, and source for creation of trouble in India. We need to support the central government at this critical time rather than moving the no confidence motion against the government. राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी पर सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राजस्थान के सीकर में रैली की और गहलोत सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार, और इस दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी, और ये डायरी इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जनता बीजेपी को लाल झंडी दिखाएगी, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री लाल सिलेंडर, लाल टमाटर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर बात करें, उस पर बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले
तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। अगली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1,500 रुपये का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कबूल कल भी डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक सेवा विस्तार मिल गया है। हालांकि संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं है, क्या ईडी में बस एक ही योग्य अफसर है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत के इस कदम से अमेरिका में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका में अब एक परिवार अब चावल का एक से ज्यादा पैकेट नहीं ले सकता। माने या ना माने, लेकिन वाकई चावल को लेकर भगदड़ मची हुई है। विकसित देशों की दुनिया से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो रोक लगाई है उसका वहां क्या असर हुआ है। हालांकि इस निर्यात पाबंदी का मकसद घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और चावल के दाम नियंत्रित करना है। मैं करीब 10 से ज्यादा दुकानों में गई, वो भी चावल का बस एक बैग खरीदने। सुबह मैंने 9 बजे दुकानों में जाना शुरू किया और अब जब 4 बज गए हैं तो मुझे बस एक चावल का बैग मिला, वो भी तिगुने दाम में। बैग विद ट्रिपल प्राइस $34 यूज्ड टू बी ओनली 17 और 18। जानकार मानते हैं कि चावल एशिया और अफ्रीका में करोड़ों लोगों की खुराक का अहम हिस्सा है और इसकी कीमतों में उछाल से महंगाई दर का दबाव बढ़ेगा और खरीदारों का आयात बिल बड़ा होगा। राइजिंग फर्टिलाइजर प्राइस, अल नीनो और फर्टिलाइजर्स के दामों में उछाल आने से चावल के दाम बढ़ गए हैं। इसका असर पूरे एशिया में 3 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। इससे खाने के दाम भी बढ़ेंगे और ये लोग एक बेहतर डाइट के लिए चावल पर ही निर्भर हैं। असर इसका अमेरिका पर भी है। वहाँ कई दुकानों ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रति परिवार एक बैग का नोटिस लगा दिया है। जमाखोरी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। याद करें कि IMF ने कहा है कि वो भारत को चावल की इस किस्म के निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका दुनिया भर की महंगाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं। कई इलाकों में यहां पर भारी बारिश से जिंदगी एक तरह से थम सी गई है। यहां पहले से ही बाढ़ जैसे हालात हैं। अब मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिन भी भारी बारिश की यहां पर आशंका है। तेलंगाना के मुलुगु झरने में फंसे 80 से ज्यादा पर्यटकों को बचा लिया गया है। NDRF की टीम बुधवार रात से उन्हें बचाने के काम में लगी हुई थी। वहीं वारंगल के मोरंचापल्ली गांव में लगभग पूरा गांव यहां पर डूब गया है। 700 गांव वाले फंसे हुए हैं। जान बचाने के लिए लोगों को घरों की छतों पर जाना पड़ रहा है और इस गांव के 300 लोगों को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है। लोगों को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीते 3 दिन से लगातार हो रही बेपनाह बारिश की वजह से तेलंगाना के कई जिले बाढ़ में डूबे हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कें नजर नहीं आ रही।
जयशंकर भूपालपल्ली में, चितियाला और मुलुगु के वेंकटपुरम में बीते 24 घंटे में 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और तबाही मच गई। सड़क पर गाड़ियां फंसी रहीं। ये तस्वीर एक ट्रक के भीतर की है। यहां यात्रियों को एक बस द्वारा निकाला जा रहा है। मुलुगु के मध्यालाधारा जलप्रपात तक ट्रैकिंग कर रहे कम से कम 85 सैलानी भी जंगल में फंस गए और उनके बचाव के लिए रातों रात एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। कृपया अभी गोदावरी नदी के पास बिना काम के ना जाएं। हम लोगों से अर्ज करते हैं कि वे सहयोग दें ताकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना या असुविधा ना हो। वारंगल का मुरांचापल्ली गांव डूब गया। लोग सुरक्षित रहने के लिए ऊंची इमारतों पर चले गए, हालांकि 3 लोग फिर भी बह गए। 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रात्रि 2 घंटे 4 घंटे मध्य दादापू 600 लोगों को घर जैसा सुरक्षित महसूस करवाने के लिए रिलीफ कैंप है, क्योंकि वो 2 बजे से गीले हैं तो उनके लिए सूखे कपड़े हैं। मेडिकल कैंप के साथ साथ और अन्य सुविधाएं भी हैं। अलगुल पड़टम चरुल तेगी पोटम द्वारा वरद नीर वच्ची मुगुरु कुटकोन पोटम जरिगिंदि। सीतामा और उनकी बेटी एक समूह में थे जो तेज बहाव वाले पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। दोनों को तेज लहरों ने खींच लिया, किसी तरह बेटी को बचा लिया गया। पेडापल्ली में 10 मजदूर फंसे हुए थे। शुक्र है कि बचाव टीम उन तक समय रहते पहुंच गई। भद्राचलम में गोदावरी का पानी तीसरी चेतावनी के स्तर को पार करता दिख रहा था। शुक्रवार को और बारिश का अनुमान है, इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो घर पर रहें, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हैदराबाद लगातार बारिश की मार झेल रहा है और हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर सब लबालब है। यही हाल मुसी का है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और तेलंगाना के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों की भी कर लेते हैं। यहां पर जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में यहां पर पानी भर चुका है। आपको हम तस्वीरें अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप दहिसर की देख रहे हैं। आप कितना पानी यहाँ पर जमा है और लोग किस तरह से यहाँ से मशक्कत करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कई इलाकों में आसपास के जल भराव हो गया है। हालात को देखते हुए ठाणे में आज भी स्कूल बंद रखे गए हैं। मुंबई के दहिसर में पानी भरने से आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। तो ठाणे की भी तस्वीरें आप देखिए, सड़कें पानी से लबालब दिख रही हैं। यातायात की आवाजाही पर असर साफ तौर पर है। वहीं मुंबई की और ठाणे की तस्वीरें आपके सामने। मौसम की हम बात कर लेते हैं। जुलाई अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है और ये 10-20 साल या 50-100 साल में नहीं बल्कि 1,20,000 साल में सबसे गर्म महीना बताया जा रहा है। बहुत हैरान करने वाली बात है और ये जो दावा किया गया है वो लिप्ज़िंग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टेन हाउस्टीन के विश्लेषण में बात सामने आई है। इस जुलाई महीने का विश्व भर में औसत तापमान सामान्य से 1.3 से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक प्रोजेक्ट किया गया है। इस पर देखते हैं रिपोर्ट। जुलाई का ये महीना अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है। 1,20,000 साल में सबसे गर्म जुलाई महीना सुनकर ताजुब लग सकता है, लेकिन दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी इस बात की गवाही दे रही है। फ्लोरिडा में समुद्र तल पर पानी किसी गर्म टब के जैसा हो गया है। लगातार 2 दिन इसका तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तल को इतना गर्म संभवतः पहली बार मापा गया है। समुद्र तल के तापमान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, लेकिन जब आप कुछ नेशनल एजेंसीज का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी गर्मी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई।
मेरा मतलब है कि 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा पहले कभी नहीं मापा गया। हालांकि मापन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और अच्छी बात यह है कि चंद डिग्री कम गर्म हो सकता है। ग्रीस की गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बुधवार को एथेंस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी से बचने के लिए यहां सैलानी छांव और फव्वारे के पास जमा होते नजर आए। कृषि मंत्रालय ने सैलानियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और गधे से काम लेने की समय सीमा भी बांध दी। मैं यहाँ आकर खुश हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। मेरे पति फ्लोरिडा से हैं, हमें गर्मी में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ तो और गर्मी है। इस्तांबुल में भी बुधवार को पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही ऐसी भीषण गर्मी जुलाई को सबसे गर्म साबित कर रही है। लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टेन हाउस्टीन का विश्लेषण कहता है कि भारी बारिश और बार बार लू पड़ने का सीधा संबंध समुद्र और इसके तल की बढ़ती गर्मी से है। ग्लोबल वार्मिंग का समय बीत गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग का जमाना आ गया है। भारत में मॉनसून के खतरनाक होने की वजह भी जलवायु परिवर्तन है। गर्मी बढ़ने से समुद्र तल से जो पानी वाष्प बन उड़ता है, उससे वातावरण में अत्यधिक नमी पैदा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के और अधिक भयावह होने की चेतावनी भी दी गई है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह बताई गई है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाने की सलाह दी जा रही है, नहीं तो जुलाई क्या और महीने भी हजारों साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात जापान की करते हैं। यहाँ एक पुराना केसन विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर है और वजह जानकर आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा आबादी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर देखते हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की ये रिपोर्ट। ये जापान के टोक्यो के पास 35 साल पुराना केसन विश्वविद्यालय है, लेकिन अब इस विश्वविद्यालय में नए सत्र में कोई दाखिला नहीं होगा और आखिरी बैच के स्नातक के बाद ये बंद हो जाएगा। वजह चौंकाने वाली है। कॉलेज के आधिकारिक बयान के मुताबिक कम बच्चे और बूढ़ी होती आबादी कम एडमिशन के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन जापान में यही सच्चाई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वहां के सभी 47 राज्यों में आबादी कम हुई है। पहली बार 2022 में 8 लाख से कम जन्म दर्ज हुए हैं। इसके असर आर्थिक सामाजिक दोनों हैं, लेकिन लाख इंसेंटिव के बावजूद हालात नहीं बदल रहे। यही हाल और भी कई देशों का है, लेकिन भारत में हालात उल्टे हैं। सबसे कंफर्टेबल स्थिति में है और हम लोग ने ये जो पॉपुलेशन अभी है हमारी, विदाउट एनी कोअर्शन हमने क्वाइट नेचुरली एक अच्छे स्पेस में स्टेबलाइज करी है। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कुल आबादी 142.95 करोड़ से ज्यादा है। कामकाज की उम्र वाली आबादी करीब 68% है, निर्भर आबादी 33%। मौजूदा जन्म दर 2.0 है। सबसे ज्यादा आबादी होगी 2063 में करीब 169.6 करोड़, मतलब करीब 35 से 40% काम करने वाली आबादी से आर्थिक फायदा भारत को मिल सकता है। जानकार मानते हैं कि एक बड़ी वर्किंग एज आबादी होने का मतलब है कि इससे आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ की फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। इनमें एजुकेशन, रोजगार, स्किल सेट, स्वास्थ्य और गवर्नेंस प्रमुख हैं। अगर ये हो पाता है, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी फायदे का सबब हो सकती है, नुकसान का नहीं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।